तो गाइस आज आपके सामने देखा एक और नई वीडियो, और इस बार वो एनर्जी नहीं है, वो इंट्रो नहीं है। टाइटल पढ़ लिया आप लोगों ने। पिछला एक महीना मेरे लिए बहुत, क्या बोलूँ, सीढ़ियाँ कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत मुश्किल था मेरे लिए एक महीना पिछला। और ऐसा नहीं कहूँगा वो मुश्किलें ख़त्म हो गई हैं, नहीं, मुश्किलें अभी भी चल रही हैं। बस उम्मीद करता हूँ आप सब जो वीडियो देख रहे होंगे आप बढ़िया होंगे और आपके फैमिली वाले बढ़िया होंगे, आप सबकी तबीयत ठीक होगी। नहीं है ठीक तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लेना, घर पे दवाई मत खाना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई बेसिकली लास्ट मंथ 18, 19, 20 से पहले मेरे फादर की तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हुई, तो हमें भी ऐसे लगा वायरल है। घर पर दवाई खाई, कुछ दिन खाई, ठीक से हो गए, और फिर 2-3 दिन बाद, और मतलब टोटली 4 दिन बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई, कफ बहुत होने लग गया। फिर मैं डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर ने बोला कोविड है। तो उस टाइम पापा की सिचुएशन सही, 90+ थी। एक प्रोसीजर होता है कि उसमें स्टेरॉइड दिए जाते हैं, प्लस जिसे कोविड होता है उसको दी जाती है फेबी फ्लू, तो एंटीवायरल दवाई होती है जो कि आपके शरीर में आ गया है कोविड का वायरस वो और रेप्लिका ना बनाए। पहले आपके कुछ दिन नाक और मुंह में रहता है, और फिर थोड़े दिनों में वो आपके लंग्स में घुस जाता है, वहाँ पे रेप्लिका बनाने स्टार्ट कर देता है, और फिर वहाँ से पूरी कहानी बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे घर पे ताई जी भी थी, तो उनकी भी तबीयत नेक्स्ट डे काफ़ी डाउन होने लग गई, और मम्मी भी थी, उनकी तबीयत भी काफ़ी डाउन होने लग गई। तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोनों को लेके गया डॉक्टर के पास, और पापा को भी। तो बेसिकली स्टेरॉइड के सुबह शाम इंजेक्शन लगते हैं, हाथ में कैनूला लग जाता है, डॉक्टर लगा देता है, उसके बाद दवाइयाँ स्टार्ट हो गई। लेकिन मेरे पापा की सैचुरेशन डाउन होनी स्टार्ट हो गई, लाइक 80s में आ गई। अब नेक्स्ट डे 88, 87, ठीक है, डॉक्टर ने बोला उनको ICU बेड चाहिए। फिर जैसा पहली बार ही हो रहा था यार, ऐसे हमारे घर में किसी को हुआ नहीं था, कहीं मेरे दोस्त फैमिली फ्रेंड दूर का कहीं पे किसी कुछ हुआ नहीं था, तो थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो गई। बट हमने भी ट्राई करा, काफ़ी जगह पूछा, पापा का CT स्कैन करवा के घर पे आया मैं। नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई, CT स्कैन, मेरे पापा का CT स्कोर था 12। तो बेसिकली यार ये बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, जिसको कोविड हो गया है या जिसको नहीं हुआ है उसको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, और जिसको नहीं हुआ है जिसको नहीं समझ आएगी। तो ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आपको भी लग रही हूँ तो ये सेम प्रोसीजर में काम करना। और बेसिकली पूरे कोविड सिचुएशन में पैनिक तो नहीं कर सकते हम, टाइम नहीं होता पैनिक का, और ये वाला स्ट्रेन जो है वो आपको टाइम देता भी नहीं है कुछ भी करने का। हमें बहुत ही ख़तरनाक वाला स्ट्रेन मिला था, तो बेसिकली CT स्कैन कराना था, क्योंकि कोविड रिपोर्ट में भी बहुत बार नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है RT-PCR में। तो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप एक CT स्कैन कराओ अपनी चेस्ट का। तो बेसिकली मेरे पापा का CT स्कोर आया 12, जो कि माइल्ड से सीवियर के बीच में होता है, ठीक है, इतना बुरा नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला मेडिसिन देते हैं, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पापा की सिचुएशन 75 में आ गई थी, तो यार डर हमें भी था, सबको था। मीनवाइल पहले मेरे पास एक पेशेंट था, मैं अकेला था देखने वाला, मेरे पास अब 2 पेशेंट और हो गए, मम्मी और ताई जी। मम्मी की सैचुरेशन सही चल रही थी, और ताई जी की सैचुरेशन कम होनी स्टार्ट हो गई। उन दोनों को भी सुबह शाम में इंजेक्शन लगवाने जाता था, दवाई चल रही थी, न्यूबलाइज करवाना होता है, जिसको नहीं पता एक भाप का दूसरा तरीका होता है, न्यूबलाइजर जो होती है मशीन होती है उसमें दवाई डलती है, लंग्स में जाती है, न्यूबलाइज करवाना होता है। तो न्यूबलाइज करवा रहा था मैं तीनों को दिन में 4-4 बार, और उससे 2 दिन पहले मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन घर वालों की तबीयत ठीक नहीं हुई थी, तो मैं सारी चीज़ें कर रहा था। मीनवाइल मैंने ताऊ जी को भी बुला लिया था, और उनके बेटे हैं उनको भी बुला लिया था घर पे। फिर क्या हुआ, मेरे ताऊ जी की तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई नेक्स्ट डे से, उनका भी सैचुरेशन गिरना थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। मैं पापा को मंडे लेके गया था डॉक्टर के पास, और ताई जी को अगले दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ट्यूसडे को। ताई जी की तबीयत थर्सडे तक बहुत ख़राब हो गई, उनका सैचुरेशन 60 आ गया, हमें कहीं बेड नहीं मिल रहा था, कहीं हमें ICU बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन बेड तो मतलब मिली कहीं भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा था। बट हमने कहीं से एक सिलेंडर अरेंज कराया,
अरेंज किया, ख़रीदा बेसिकली यार एक सिलेंडर ख़रीदा 40 लीटर वाला, जो कि नॉर्मल रेट से तो बहुत ही ज़्यादा था, बट क्या कर सकते हैं। रेट्स भी बताऊँगा एंड में, वीडियो देखना, सारी चीज़ें खोलूँगा प्रॉपर तरीके से कि क्या घपलेबाजी हो रही है इस टाइम और क्या क्या हमने फेस करी है, क्या क्या आप फेस होने से बच सकते हो, क्या क्या फ्रॉड से आप बच सकते हो। ठीक है, तो हमने वो मंगा लिया घर पे, सारी चीज़ समझी और फिर हमने ताई जी को सिलेंडर पे शिफ्ट कर दिया, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ताई जी पे चल रहा था। मीनवाइल हमने एक कॉन्सेंट्रेटर भी रेंट कर लिया था एक रात पहले, तो वो ताऊ जी को हम दे रहे थे कॉन्सेंट्रेटर, वो 5 लीटर वाला था बेसिकली, वो भी एक ऑक्सीजन ही बनाता है कॉन्सेंट्रेटर भी, तो रेंट पे लिया था। तो फिर ताई जी का सैचुरेशन यार 60 पे आ गया था, ऑक्सीजन दे रहे थे हम डॉक्टर से कंसल्ट करके, हम दे रहे थे, कहीं बेड मिल नहीं रहा था ताई जी के लिए, तो अब मेरे पापा से ज़्यादा तबीयत मेरी ताई जी की ख़राब हो गई थी, समझ आ नहीं रहा था क्या करना है, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग। ऑक्सीजन दे रहा था मैं 15 का फ्लो होता है उस पर, मैं 15 में 10 दे रहा था फ्लो ऑक्सीजन पे भी, उनकी सैचुरेशन 60 थी, उनकी हालत बहुत ख़राब होने लग गई थी, हमें दिख रहा था ख़राब हो रही है और इनको सांस लेने में दिक्कत स्टार्ट हो गई थी। रात को खाना खिलाया मैंने, ज़्यादा नहीं खा पाई, थोड़ा ही खा पाई, क्योंकि मैं जैसे ही मास्क हटा रहा था वो उनकी सैचुरेशन और डाउन हो रही थी, बट स्टिल मैं कैसे तैसे मैनेज कर रहा था। बाकी अब मेरे घर पे 4 पेशेंट हो गए थे और देखने वाले हम 2 थे, कैसे ना कैसे करके मैनेज कर रहे थे। उसके बाद रात को अराउंड 2-3 बजे की बात है, मैं चेक करने यूजुअली सबको आता हूँ, सो तो रहा ही नहीं था मैं 2 दिनों से, तो पानी वानी पिलाना, सबको देखना कैसे चल रहा है, सबका ऑक्सीजन लेवल क्या चल रहा है। ताई जी का देखा तो 60 चल रहा था, लेकिन और ज़्यादा दिक्कत होने लगे अराउंड 3:45 की बात है, वो अनकॉन्शियस होने लग गई थी ताई जी मेरी। फिर बात बात करी ताई जी को, थोड़ा उठाने की कोशिश करी और उस टाइम मेरी ताई जी की डेथ हो गई। तो हो सकता है कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस ले नहीं पाते हैं बेसिकली, उन्हें और प्रेशर में ऑक्सीजन चाहिए होती है, या बेसिकली बोल सकते हैं आईसीयू की नीड होती है, क्योंकि उसमें हाई फ्लो मास्क या फिर हम बाईपैप, एक चीज़ होती है, एक मशीन होती है बाईपैप पे दे सक डाल सकते हैं, उससे शायद कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वो हमारे पास कुछ था नहीं, कहीं पे कोई रिसोर्सेज थी नहीं। तो मेरी ताई जी की डेथ हो गई थर्सडे को रात को मेरी मम्मी की तबीयत तब तक ठीक थी, थोड़ी बहुत ख़राब थी उसके बाद, ठीक है। तो मेरे ताई जी के बाद अब पापा की तबीयत ज़्यादा सीवियर थी, ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ताई जी की डेथ हो गई, मैं और मेरे भैया घर पर अकेले थे। फिर हमने ट्राई करा, हमने बुलाया और लोगों को, फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, बट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उनकी डेथ हो गई है। तो बट उनका फिर हमने क्रिमिनेशन करा, बट हमारी फाइट तब ख़त्म नहीं हुई, मेरे पास अभी 3 पेशेंट और थे, मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, मेरी मम्मी। जब उन तीनों को ये खबर सुनाई तो तीनों ही शॉक में चले गए, और ताऊ जी का सैचुरेशन तब तक काफ़ी लो हो चुका था, 60, 65 और 70s में चल रहा था। मेरे पापा से भी ज़्यादा तबीयत मेरे ताऊ जी की ख़राब हो चुकी थी, और मम्मी तब तक ठीक थी, लेकिन जब मैंने ताई जी का बताया उसके बाद से मेरी मम्मी भी लो होने लग गई थी यार, क्योंकि घर में सडन अचानक सब सही चल रहा था, एक अचानक डेथ हो गई विद इन 2 डेज। सोच रहे हो आप कितना गंदा स्ट्रेन आई है, कि मतलब जब पता चला उसके विद इन 2 से 2 से 3 दिन में बंदे की हालत इतनी ख़राब हो गई कि डेथ हो गई। नेक्स्ट डे मेरी ताई जी का भी सीटी स्कोर की रिपोर्ट आई, उनका 21 था, तो मेरी ताई जी का 21 out of 25 था, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर केस होता है, लेकिन कोई नहीं, कह सकते हैं हमारे पास दुख मनाने का भी टाइम नहीं था। हमने पापा को बोला, पापा भी घर पे स्टेबल थे, मतलब उनकी सैचुरेशन अब 80s में भी चल रही थी, तो हमने पापा पे उन्होंने सोचा घर पे ही रखते हैं, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे ताऊ जी की सैचुरेशन काफ़ी डाउन होने लग गई थी, तो हमें कहीं रास नहीं मिली, तो हमें एक जगह ऑक्सीजन मिला, और जो कि है हेमकुंड फाउंडेशन गुड़गांव में ही सेक्टर 43 में, तो वहाँ पे हम लेके गए, तो वहाँ पे हमने पूरी रात रखा, दोनों स्टेबल हो गए, सब सही चल रहा था। नेक्स्ट डे किसी जुगाड़ करके हमें ताऊ जी के लिए आईसीयू बेड मिल गया, क्योंकि ताऊ जी के लिए आईसीयू बेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मम्मी के लिए भी थी, पर जैसे हम मेरे पास 3 पेशेंट थे तो सीवियर सब ज़्यादा ताऊ जी थे, ताऊ जी को RTMS, जिनको पता है गुड़गांव RTMS में वो एडमिट है अभी भी, आज उनको
24वां दिन आईसीयू में, स्टिल ही इज़ ऑन वेंटिलेटर। तो अभी मैंने जैसे बोला कि मेरी मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई है, सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है जैसे बहुत बुरी वाली। फिर क्या हुआ, फिर मेरी मम्मी को हमने हेमकुंड फाउंडेशन पर ही रखा, ठीक है। उनकी हालत भी ख़राब होने लग गई, उनकी सेचुएशन सही मेंटेन हो रही थी लेकिन धीरे धीरे वो भी डाउन आने लग गई, 70s से 60s में आने लग गई। तो हमें कोई एक लीड मिली थी, कोई एक बॉस्टन हॉस्पिटल करके गुड़गांव में है, बेसिकली कोविड केयर सेंटर बना हुआ है वो। हमने सोचा वहाँ पे लेके चलते हैं, हमें किसी ने बोला वहाँ पे ले जाओ और वहाँ पे बेड्स हैं, फिर हम वहाँ पे उनको लेके गए। उसके बाद कह सकते हैं वो एक, हमें भी समझ नहीं आ रहा था, बकवास हॉस्पिटल है बॉस्टन। अगर कोई गुड़गांव से देख रहा है उसको कोई बोल रहा है बॉस्टन हॉस्पिटल ले जाना, गाइस बिल्कुल मत ले जाना। वो 30,000 रुपये पर पेशेंट लेते हैं पर दिन का, जिसमें वो कुछ भी नहीं देते हैं, आपको अपनी ऑक्सीजन रखनी होती है, दवाइयाँ भी उनके पास नहीं होती, वो कहते हैं बाहर से ले आओ, और कोई वहाँ पे नर्स नहीं होती है, वहाँ पे हमें खुद ही देखना होता है, हम बुलाते बुलाते थक जाते हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो बॉस्टन हॉस्पिटल बहुत ही, मैं कह सकता हूँ बहुत ही गलत डिसीजन था, लेकिन हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, हमें मम्मी को वहाँ पर लेके जाना पड़ा। मम्मी की सिचुएशन गाइज अब आ चुकी थी 60s में, मम्मी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, आईसीयू बेड की ही नीड थी, आईसीयू बेड कहीं नहीं मिल रहा था। मेरे दोस्त मेरे फैमिली मेम्बर सब लगे पड़े थे कहीं पे कोई बेड मिल जाए, कहीं पे कोई आईसीयू बेड मिल जाए, लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। फिर हमें, अब जैसे मैंने बोला बॉस्टन हॉस्पिटल जो है वहाँ पे हमें खुद का ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो एक ऑक्सीजन हमने सिलेंडर स्टार्टिंग में लिया था, उसको रिफ़िल कराने को किसी को दिया, वो वहाँ से रिफ़िल करा के आए। हमें लेकिन और सिलेंडर की ज़रूरत थी, तो हमने एक और सिलेंडर ख़रीदा। उसका प्राइस सुनोगे तो आपके हक्के बक्के हो जाएंगे कि कितने का ख़रीदा, वो भी बताऊँगा मैं एंड में, ठीक है। तो अब हम बस दो सिलेंडर हो गए थे, एक सिलेंडर हमें किसी अपने नोन अंकल हैं उन्होंने भिजवाया कि जिससे हमें शॉर्टेज ना हो, और फिर एक सिलेंडर हमें किसी और ने भिजवाया, तो मतलब 2-3 सिलेंडर आ गए थे छोटे बड़े मिलके, तो मम्मी को हम दे रहे थे। फिर उस रात मम्मी ने सही से चली, मम्मी स्टेबल हो गई, 70s में मेंटेन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उनकी तबीयत और वापस डाउन होने लग गई, सैचुरेशन 40s में आ गया, ठीक है। सिलेंडर पे थी वो हाई, मतलब ऑक्सीजन पे थी पर तब भी, तो फिर अब हमारे पास सिलेंडर ऑलरेडी 2 खाली थे। फिर रात को लेट नाइट में 3-3:30 बजे गया हूँ दिल्ली, जितनी लीड मिल रही थी मैं सब जगह गया हूँ, दिल्ली में मुंडका गया हूँ और पंजाबी बाग में मुझे कहीं पे था वहाँ गया, और मंगोलपुरी, मतलब मैं बहुत सारी लीड्स पे गया, कहीं पे बंद था, कहीं पे सुबह खुलेगा, कहीं पे ऑलरेडी 100 बंदों की लाइन थी, वेटिंग थी कि 7 बजे खुलेगा। तो मैं थक हार के वापस आया, मम्मी की हालत काफ़ी ख़राब थी, सुबह 4 बजे समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मम्मी को कैसे बचाऊँ। तो भाई मम्मी की हालत ख़राब हो रही थी, पहले मम्मी के पास गया, मैंने देखा हालत, मम्मी को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बट मम्मी मेरी फ़ाइटर है, फ़ाइटर ही बोलूँगा अब तो, बट फाइटर ही रहेंगी, ठीक है। मेदांता उसके बगल में था, मेदांता में गया मैं, बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत से ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आके देख लो, मैं एम्बुलेंस भेज दो, एम्बुलेंस में थोड़ा ट्रीटमेंट कर दो, क्योंकि बेसिकली उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था यार, मैं ये कहूँगा उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। मे बी उनको कोई अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट मिल पाता तो आज जो मैं हो गया हमारे साथ वो नहीं हो पाता। बट फिर उसके बाद मैं वापस गया, मम्मी की थोड़ी सेचुरेशन नॉर्मल हुई और फिर मम्मी को हमने सुला दिया। वो दिन में मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में गया गुड़गांव के अंदर कि हमें कहीं बेड में दे दो, कहीं हमें बेड दे दो, बहुत सारे, कितने, पारस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल और बहुत सारे हॉस्पिटलों में मैं गया, मेरे पास बहुत फ़ोन आते थे लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं बन रही थी। उस रात मेरा घर आने का मन नहीं था, मम्मी के पास मैं लेटा, मम्मी से मैंने बातचीत करी थोड़ी बहुत, चित्ती कर रही थी और सेल्फ़ी ली मम्मी के साथ, फिर मैं रात को घर आ गया। फिर जब मैं सुबह उठा मेरे पास फ़ोन आता है कि मम्मी नहीं रही, और बक्के ऑफ हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मेरे कज़न ब्रदर थे, 2 लोग थे, और मैं वहाँ गया, मैंने मम्मी को लास्ट टाइम देखा। तो मतलब यार बहुत ज़्यादा ना
क्या बोलूँ मैं, बहुत होपलेस मजबूर हो गया मैं कि मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। ऐसी सिचुएशन जैसी मेरे घर में आई है, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि किसी के घर में ना आए। ताई जी की डेथ थर्सडे हुई थी, थर्सडे नाइट मतलब फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग। मेरी मम्मी की डेथ मंडे हो गई, 3 दिन के अंदर ही, 3 दिन बाद मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई। एज मेरी मम्मी की क्या थी यार, 49। ताई जी की क्या एज थी, 60। कुछ भी नहीं था, मम्मी को कोई बीमारियां नहीं थी। ताई जी को शुगर थी लेकिन मेरी मम्मी को कोई बीमारी नहीं थी। उनका सीटी स्कोर की रिपोर्ट भी आई थी, 16 था, मैनेजेबल था। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक हुई, जो कि ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया क्योंकि बेड्स नहीं थे, आईसीयू नहीं था। बहुत लोग कहते हैं घर पे रह के, न्यूज़ में देखते होंगे आप लोग कि वहाँ पे बेड्स हैं। आपको एक कोरोना की एक ऐप है दिल्ली में, आपको दिखते होंगे कि वहाँ बहुत वेकेंट बेड है, वहाँ पे आईसीयू बेड है। नहीं, रियलिटी बहुत गलत है। जब ग्राउंड रियलिटी पे आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, आपको वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे कोई बेड नहीं है। बोलते हैं हमने अपडेट, ये हमने नहीं करा, ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे हमने दिखा रखा हमारे में बेड नहीं है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं मैंने नियर बाय दिल्ली से भी दूर के बेड ढूंढे हैं, कहीं पे हमें कोई बेड नहीं मिला। ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत बुरी है, ठीक है। कोई भी सरकार, कोई भी न्यूज़ वाले बोले हमारे पास इतने बेड नहीं है, किसी के पास उस टाइम तो बेड नहीं थे, अब बन गए हो तो अलग बात है। क्योंकि हमारी सरकार ऐसी है कि जब चीज़ें होने लगेंगी उसके बाद तैयारी होगी। ये नहीं कि पेंडेमिक तो पिछले साल था ना, पिछले साल आ गया था, लेकिन मुझे इस साल फील हुआ कोरोना इस साल आया है। डेथ पिछले साल लिमिटेड थी, केस लिमिटेड थे, इस साल मैं बता रहा हूँ केस कितने आ रहे हैं दिन में। आप थोड़े पीक थोड़ी डाउन जा रही है, ठीक है, लेकिन डेथ कितनी हो रही है, 4,000-4,500 ना। लेकिन ये बहुत गलत नंबर है, ये वो हैं जो लिस्टेड है। अनलिस्टेड डेथ बहुत सारी है, कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा है। मैंने खुद देखा है ना, शमशान घाट में जाके, एक ही हफ्ते में 2 बार गया हूँ मैं शमशान घाट पे, तो मैंने देखा है रियलिटी क्या है। सुबह से लेके शाम हो जाती है शमशान घाट में। एक बॉडी को भी हमें क्रिमिनेशन करने पर भी बैठना पड़ता है इतने घंटे एक डेड बॉडी को लेके। ये मुझसे पूछो, ग्राउंड रियलिटी बहुत बुरी है। कोई भी बोल देंगे हमारे पास ये है वो है, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं है, तैयारियां नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास चीज़ें होती तो मेरी मम्मी ज़िंदा होती, मेरी ताई जी ज़िंदा होती, मेरे ताऊ जी इतनी लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता, जो कि अभी भी आईसीयू पे हैं, वेंटिलेटर पे 7 दिन हो गए हैं और हॉस्पिटल में 25 दिन हो गए हैं। यार क्या कर सकते हैं, बस मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपकी तबीयत स्टार्टिंग में ख़राब हो रही है तो बेसिकली कोविड में मॉनिटरिंग चाहिए होती है। पहले दूसरे दिन में आप दवाइयाँ खा सकते हो, लेकिन चौथे पाँचवें दिन में अगर आपकी आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको स्टेरॉइड स्टार्ट करने ही करने पड़ेंगे, जिससे आप इतने सीवियर होने से बच सकते हैं, ठीक है। और बहुत लोग को लगता होगा वैक्सीन लग गई, 2 वैक्सीन लग गई, हम सेफ हैं। डॉक्टर के अग्रवाल जी, रिसेंटली डेथ हुई उनकी, दोनों वैक्सीन लगी हुई थी। कितने लोग हैं मेरे नोन में भी जिनको दोनों वैक्सीन लगी हुई थी, उनकी डेथ हो गई है। तो वैक्सीन के भरोसे मत रहो। हाँ, इस टाइम हमारे पास बस एक ही होप है, वैक्सीन। बट ऐसा नहीं कि वैक्सीन के बाद आप सेफ हो, आपको हो भी सकता है, किसी की डेथ भी हो सकती है। मैंने देखी है, मैं गया हूँ, पूछा है, बात करी है, तो बहुत लोग को डबल वैक्सीन भी लगी हुई थी क्रिमिनेशन सेंटर पे, लेकिन उसके बाद भी लोगों की डेथ हुई है। तो गाइस, इस दौरान मुझे बहुत लोगों ने मदद करी। सबसे बड़ी मैं हेमकुंड फाउंडेशन, अगर उसका कोई बंदा वीडियो देख पा रहा होगा, देख रहा होगा, मेरी दिल से रिक्वेस्ट है उनको आशीर्वाद देना भगवान। उन्होंने बहुत बुरे टाइम में हमारी मदद करी। जब कहीं पे सहारा नहीं था तो हेमकुंड फाउंडेशन ही थी, जहाँ पे हमें एक आस मिली, हमें ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन ही सब कुछ है इस टाइम, तो ऑक्सीजन उन्होंने ही दिया। और इसके अलावा मेरे फैमिली फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी बहुत बहुत मदद करी, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, और आप सब ने बहुत मेरी मदद करी। अब आ जाते हैं फ्रॉड, भाई सब फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहला सिलेंडर, एक सिलेंडर की कॉस्ट खाली आज की डेट में 15,000-20,000 है, मेरे पास फ़ोन आता है, ठीक है। भरे हुए की कॉस्टिंग 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1,00,000, 2,00,000, ऐसे सिलेंडर बिक रहे 40 लीटर वाले। तो पहला सिलेंडर मैंने लिया 35,000 में, मुझे लेना था, क्या करूँ, ठीक है, मुझे नीड थी।
दूसरा सिलेंडर मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था 1.5 लाख में, ठीक है। तीसरे सिलेंडर की भी नीड थी, ठीक है, एक जगह से बात हो गई थी, उसने बोला था एडवांस कर दो पहले 20,000, फिर हमने कर दिए थे, फिर उन्होंने बोला 10,000 भेज दो, बाकी का पेमेंट पे कर लेना जब डिलीवरी लोगे, तो हमने 10,000 और भेज दिए। उसके बाद 1 घंटे बाद हम फ़ोन करते हैं तो बोलता है आ रहा है, फिर अगले घंटे फ़ोन बंद, ठीक है। साइबर सेल में मैंने FIR करवा दी है उनकी, लेकिन 30,000 गायब, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट जागती है, उसके बाद होम डिलीवरी अब स्टार्ट करवा रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये सब पीक जाने के बाद क्यों यार? पीक पे तो तुम कुछ कर नहीं पाए, पीक से पहले तो तैयारी करी नहीं है ना। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे जितने लिस्टेड लोग हैं ना गवर्नमेंट के हिसाब से 4,000-4,500 रोज़ जो डेथ हो रही है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। उनका क्या, सब कुछ अच्छा, परिवार चल रहा था, हंसता खेलता, इतना बुरा स्ट्रेन है। मेरे घर वाले बाहर भी नहीं जाते थे, हम भी जाते थे बहुत अच्छे से जाते थे और पूरा प्रोटेक्शन के साथ जाते थे और अच्छे से सैनिटाइज वगैरह सब करते थे, तब भी हो गया। मैंने ताई जी खो दी, मैंने मम्मी खो दी, ताऊ जी ICU में, पापा की वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ, पूरी दिन रात लग के मेहनत कर रहा हूँ मैं पापा पे। ये तो बस एक अच्छी चीज़ है कि मुझे हुआ, 2 दिन में मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैं उसके बाद मैंने सारे प्रोएक्टिवली सारे टेस्ट करवाए, सब मेरे टचवुड नॉर्मल आए, बट अभी भी फाइट मेरी ख़त्म नहीं हुई है। तो गाइज़ मैं बस एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपके घर में किसी की भी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ 1-2 दिन से ज़्यादा हो गई है, प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लें। और अगर आपको सांस लेने में हल्का सा भी सांस फूल रहा है, सैचुरेशन डाउन हो रही है, तो गाइज़ यही तरीका होता है, मेड्रोल स्टेरॉइड स्टार्ट करा लीजिए, ठीक है। उससे अर्ली स्टेज में जब 3-4 दिन बाद आपके स्टेरॉइड स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका लंग पे जो डैमेज होता है वो बचना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपके लंग्स डैमेज हो गए ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है इसमें। और ये वाला स्ट्रेन ऐसा है कि ऐसा नहीं है आप कोविड नेगेटिव हो गए तो आपकी टेंशन ख़त्म हो गई, नहीं, पोस्ट कोविड में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक D-dimer टेस्ट होता है बेसिकली, ठीक है, D-dimer में पता चलता है आपके शरीर में कहीं पर क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग। तो आपने अगर न्यूज़ देखते होगे, आपको बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई होंगी, कोविड नेगेटिव हो गया है और 1 हफ्ते बाद ठीक हो गया था, लेकिन 1 हफ्ते बाद उसको हार्ट अटैक से डेथ हो गई, या कहीं पे क्लॉटिंग थी तो उससे डेथ हो गई। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ब्लड थिनर चलता है, वो लंबा चलाना पड़ता है, डॉक्टर सारे रिकमेंड ये करते हैं कि लंबा चलाओ, उस ब्लड थिनर से क्लॉटिंग धीरे धीरे ख़त्म होती है। रिसेंटली बहुत सी न्यूज़ मैंने देखी हैं जिसमें लोग बाग ठीक हो गए थे, किसी के दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग हो गई। अरिजीत सिंह, सबको पता है सिंगर, उनकी मम्मी जी की भी तबीयत ख़राब थी, उनकी मम्मी जी की तबीयत ठीक हो गई थी लेकिन उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हुई, उनकी डेथ हो गई। तो गाइज पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रिकॉशन ही रखना। अगर आपको कोविड था, आपके घर में कोई बड़े लोग हैं उनको कोविड हुआ है रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो D-dimer ज़रूर करवाइएगा, चेक करवाइएगा कि बड़ा तो नहीं है, ठीक है। अगर बड़ा है तो उसी दिन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ब्लड थिनर स्टार्ट कर देना, नहीं तो रिस्क है, ठीक है। पोस्ट कोविड में बहुत रिस्क है, अगर आप ठीक भी हो गए हो तो बहुत रिस्क है, इस चीज़ पे ध्यान रखना। के लिए पहले प्लाज्मा भी रद्द हो गया, अब रेमडेसिविर जो चलती है मेडिसिन जो हॉस्पिटल वाले देते हैं वो भी अब कामयाब नहीं है इस वाले स्ट्रेन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली डॉक्टर्स ये कहते हैं आपकी बॉडी को खुद से ही फाइट करना होगा एंटीबॉडीज़ बना के। तो अच्छा खाओ, अच्छा पियो, कोई दिक्कत है डॉक्टर से कंसल्ट करो, प्लीज़ मॉनिटरिंग करो, इसमें सिर्फ मेन मॉनिटरिंग ही है सब कुछ। और दुआ करो मेरे लिए भी यार, सब जल्दी से चीज़ ठीक हो जाए। मेरी मम्मी का एक सपना था, 1-2 सपने और थे मेरे लिए जिसमें से एक मैं शेयर कर सकता हूँ, जो कि उनके लिए था कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूँ। ऑलरेडी काम कर रहा था लेकिन अब और ज़्यादा काम करूँगा, धीरे धीरे बैक ऑन ट्रैक आने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करो, लोगों के पास अवेयरनेस फैलाओ, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, मैंने जो देखी है। अब हो सकता है चीज़ें इम्प्रूव हो गई हों, लेकिन ये 2 हफ्ते पुरानी बात है, जब दिन के 4 लाख केस आ रहे थे, जब सब चीज़ें पीक पे थी, उसके बाद से गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करी हैं गुड़गांव में। तो भाई इसके अलावा हेमकुंड फाउंडेशन पे अगर आप कोई डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा।
मुझे जैसे हेल्प हुई है, ऐसे और लोग को भी हेल्प हो जो कि कहीं पे कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो हेमकुंड जाएं, वहाँ पे ऑक्सीजन लगा के थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर लें या अपने फैमिली मेम्बर्स को स्टेबल कर लें, ठीक है। तो गाइस इसके साथ ये वीडियो मैं आज एंड करता हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन गई हो, अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना अपने घर वालों, फ्रेंड्स, फैमिली, उनके पास दिखाओ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, होप करता हूँ जब तक अगली वीडियो आए धीरे धीरे चीज़ें सही होने लग जाए मेरे घर में और मेरी लाइफ में भी। तो जितने भी लोगों ने मेरी मदद करी, दिल से शुक्रिया गाइस, दिल से शुक्रिया। बस अब मम्मी नहीं है मेरे साथ, पापा को भी मैंने बताया नहीं है क्योंकि पापा की हालत अभी ख़राब है। बस मैं यही बोलूँगा कि स्टे सेफ गाइस, थैंक यू।